हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो सर, मेरा नाम उरूज है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सोसाइटी में बहुत चलता है शादी शादी शादी, तो शादी आखिर होती क्या है, शादी करनी क्यों चाहिए और एक आइडियल कितना खर्चा करना चाहिए किसी भी शादी? आपने देखा इंडिया के अंदर ना मैरिज जो है ना, आप एक एज आती है, मान लो 20 21 22 साल की, तो एक एजेंडा शुरू हो जाता है, एक ऑब्सेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। कोई दूध वाला भी आएगा, अरे शादी नहीं हुई। कोई पड़ोसी है, अरे तेरी लड़की की शादी नहीं हुई। एक ऑब्सेशन है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल है ना, वैसे एक एजेंडा बन जाता है किसका, पूरे अगल बगल में, जहां आपकी एज 25 26 27 क्रॉस होना शुरू हुई, चाहे लड़का चाहे लड़की, अरे शादी नहीं हुई। अच्छा, लड़का अगर सिगरेट पीना शुरू कर दे तो क्या सोल्यूशन है? इसकी शादी कर दो। लड़का अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या सोल्यूशन है? शादी कर दो। लड़के ने काम करना शुरू कर दिया और काम में ज्यादा बिजी हो गया तो क्या सोल्यूशन है? इसकी शादी कर दो। लड़का रात को दो दिन लेट आ गया तो सबका, पूरी सोसाइटी का, इसकी शादी कर दो। इसकी पढ़ाई नहीं कर रहा, शादी कर दो। शराब पी रहा है, अरे शराब का शादी से क्या कनेक्शन है? तो जो सोसाइटी की तरफ से शुरू होता है ना, ये मिशन इम्पॉसिबल की तरफ, सॉरी जेम्स बॉन्ड जो सोल्यूशन है, शादी करो। ये शादी क्यों करते हैं? एक तो ये हो गया, शादी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ना, इंडिया में ऑब्सेशन बन गया है शादी, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना सोल्यूशन शादी कर दो, इसकी ऑब्सेशन बन गया है। और हुआ क्या है हमारे यहाँ, जैसे मूवीज देख लो आप, एक लवर है, एक लड़का है, एक लड़की है, वो मरे जा रहे हैं मिलने के लिए, बीच में विलन आएगा और एंडिंग जो है मैरिज में जाएगी। वो करण जौहर की मूवीज देख लो कि वो हम आपके हैं कौन है, कोई मूवी देख लो, एकदम पूरा मैरिज को ऐसा तामझाम ड्रामा बना रखा है, पता नहीं क्या चीज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शादी क्यों करनी चाहिए? एक तो यह है कि गली मोहल्ला रिश्तेदार, उनका प्रेशर आ जाता है, क्यों आ जाता है पता नहीं, जैसे सलमान के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारा क्या लेना देना है, तो कर रहे नहीं कर रहा, तुम्हारा क्या लेना देना, जो आता है मीडिया वाला, शादी कब कर रहे? अबे तूने कर ली, तूने क्या उखाड़ लिया, बच्चों की स्कूल की फीस दे दे बेटा अपने, नहीं समझे? तो शादी क्यों करनी चाहिए, पहली तो आ गई, सोसाइटी का प्रेशर आता है। तो शादी क्यों करते हैं हम लोग, पूछना शुरू कर रहा हूँ, क्यों करते हैं हम लोग, करनी क्यों चाहिए? कंपेनियनशिप के लिए, अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। नंबर टू, लीगल राइट्स, लीगल राइट के लिए, कि वह पकड़ ले बेटा, हम नहीं जानते। इकोनॉमिकली सर दोनों स्टेबल ज्यादा हो जाते हैं आफ्टर मैरिज, साथ स्टेबल हो जाते हैं इकोनॉमिकली, अगर दोनों कमा रहे होते हैं सर, अगर दोनों कमा, तो आपको एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, फंड कमाने की मशीन चाहिए आपको, नहीं शादी करनी क्यों चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए? नहीं सर, वो तो एक सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन आ गया नंबर वन, वही तो बोलो, सोसाइटी का एक प्रेशर, क्यों करनी चाहिए? वैसे मैं रिस्पेक्ट मिल जाती है शादी से, रिस्पेक्ट का क्या लेना देना है, आप अच्छा कोई बिजनेस करो, अच्छा पैसा कमाओ, रिस्पेक्ट तो ऐसे मिल जाएगी। शादी क्यों करनी चाहिए, कोई आंसर दे ही नहीं रहा एक्चुअली, शर्मा भी रहे। अगर आप लड़का लड़की के लेवल पे देखेंगे तो एक ही एक्साइटमेंट है, शादी होने वाली है, हनीमून का एक वेट हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके अलावा लड़का लड़की से पूछ लो, 99% ये रीजन है, बाकी के रीजन कुछ और आ जाते हैं। फैमिली के लिए पूछोगे तो मोहल्ले वालों ने परेशान कर रखा है, रिश्तेदारों ने, और एक वो बिलीव सिस्टम चला आ रहा है, और सब ने कर ली, ये 10 लोगों ने कर ली तो तुम्हारे लड़के की नहीं हुई, तो फैमिली के लेवल पे। लड़का लड़की के लेवल पे देखेंगे एक ही एक्साइटमेंट होती है, वो मैरिज के बाद का वो हनीमून पीरियड बड़ा एक्साइटिंग लगता है। वो हनीमून पीरियड 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, हनीमून पीरियड का भी एक टाइम होता होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ शादी क्यों करनी चाहिए, कि आप देखेंगे तो दो रीज़न निकल के आ गए, एक तो लड़का लड़की, अरे मैं बोल रहा हूँ तो वो तो प्यार तो वैसे भी पॉसिबल है ना, एक अंडरस्टैंडिंग कंपेनियनशिप, आपने अच्छा आंसर, वो तो वैसे भी पॉसिबल है, बिना शादी के पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है, लड़का लड़की अगर हैं और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, बिना शादी के भी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा प्रेशर आता है सोसाइटी का, उस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अब मैं चलो आपसे पूछता हूँ, शादी है क्या, चलो करनी क्यों चाहिए, तो चलो इस पर डिस्कशन फर्स्ट कट कर दिया है, करनी होती क्या चीज़ है शादी, कब पता चलता है आपको, दो चीज़ पूछ रहा हूँ, कब पता चलता है कि शादी हो गई? आप आ जाइए, आ जाइए, क्या नाम है आपका? हरिंदर कुमार। हरिंदर जी, शादी हो गई जी, किस पल में आपको पता चला कि आपकी शादी तो हो गई?
जब वरमाला होगी। भाई ये जो वरमाला वाला सीन है ना, वो मूवीज में तो लड़का लड़की हर रोज ही डाल रहे होते हैं, तो शादी हो जाएंगी उनकी तो एक एक लड़की 50। और ये आजकल कॉलेजेस में तो वो डालते रहते हैं। वरमाला डालने से शादी नहीं होती है, किस पल में पता चलता है? घोड़ी पे बैठ गए जी? नहीं। या जब तैयार होके निकले घर से? नहीं नहीं, उस समय भी शादी नहीं हुई। आपका घोड़ा जो है बारात के साथ पहुंच गया है मंडप के पास, अब हो गई शादी? नहीं, अभी भी नहीं हुई है। लड़का लड़की बैठे हुए स्टेज पे, अब हो गई? नहीं। तो कब हुई शादी? वरमाला के टाइम पे। भाई वरमाला तो मैं फेरे के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, फेरे के टाइम पे। मान लो इन्होंने एक फेरा मारा, शादी हो गई? नहीं नहीं हुई। कब हुई शादी फिर? सात फेरे। सात फेरों के टाइम पे भी शादी नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ। सदारों में तो चार फेरों में हो जाता काम, चौथे फेरे के बाद आपकी शादी हो चुकी थी क्या? नहीं हुई थी। सात फेरों से भी शादी नहीं हुई। तो कब हुई शादी? तो हो गई। और कब से मोहल्ले में मैं शादीशुदा हूँ, पर कब हुई ये नहीं समझ में आ रहा। लड़की की विदाई के टाइम पे भी शादी नहीं हुई, किस पल में आप उछला आप मैरिड हुए? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हरेंद्र जी, आपकी शादी किस पल में हुई थी, आप समझना। शादी है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। शादी जो है, मैरिज इज अ बिलीफ सिस्टम। क्या है? बिलीफ सिस्टम है शादी। किस समय इंस्टॉल होता है ये बिलीफ सिस्टम, वो आपको समझाता हूँ। आपके साथ फेरे हुए, उसके बाद शादी नहीं हुई, उसके बाद पंडित जी पूछते हैं क्या आपको मंजूर है, लड़की ने बोला हाँ, उस समय शादी हो गई? नहीं। लड़के से पूछा क्या आपकी आपको मंजूर है, उसने बोला हाँ। ऐसे मौलवी भी पूछते हैं, क्रिश्चियन में भी ऐसे ही होता है, नहीं हुई है उस समय भी। शादी या बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किस समय होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। रूल ये है, अथॉरिटी फिगर होना चाहिए। हिंदू हैं तो अथॉरिटी फिगर पंडित जी हैं, मोमडन्स हैं तो मौलवी हैं, क्रिश्चियन हैं तो फादर हैं। जिस समय अथॉरिटी फिगर पब्लिकली, जो आपके रिलेटिव्स, जो आपकी वाइफ के रिलेटिव्स हैं, उनके सामने डिक्लेरेशन देते हैं कि नाउ यू आर अ शादीशुदा, जिस पल में पंडित जी ने बोला, मौलवी ने बोला आप शादीशुदा हैं, अब उस पल आपने बोला हाँ मैं शादीशुदा हूं। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ये एक बिलीफ है। सो शादी है क्या, मैं बोलूं शादी इज अ बिलीफ सिस्टम। क्या है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। एक बार एक आदमी था, उसका नाम राम था, वो ऊंट लेके रेगिस्तान में घूम रहा था। ऊंट थे छह, रस्सियाँ थी पांच। रात को नींद आती है, उसको घबराहट होती है, कहता है यार मैं बांध दूंगा पांचों को, छठा भाग जाएगा। सामने उसे एक आदमी नजर आता है, उससे रस्सी मांगता है, उसको प्रॉब्लम बताता है कि एक रस्सी कम पड़ रही है। उसका नाम महेश होता है। महेश कहता है डोंट वरी यार, रस्सी नहीं है, मैं इलाज करता हूं। वो पहले कैमल के पास आता है, महेश रस्सी लेता है, बांध देता है, बाकी पांच देख रहे हैं। दूसरे के पास जाता है, बाकी चार देख रहे हैं। तीसरे के पास जाता है, बाकी तीन देख रहे हैं। पांचवे के पास जाता है, छठा देख रहा होता है, पांचों को रस्सी बंध गई है। छठे वाले के पास जाता है, हाथ ऐसे ऐसे घुमाता है और छोड़ देता है। राम कहता है यार इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, रस्सी तो दिख ही नहीं रही। उसने कहा रस्सी लग गई है, डोंट वरी। अब राम को नींद आ जाती है, रात को सुबह उठ के देखता है यार कैमल भागा नहीं है। धन्यवाद करता है महेश को, कैमल्स को लेकर चलना शुरू करता है, छठा कैमल वहीं खड़ा है। उसको महेश पे बड़ा गुस्सा आता है, कहता तूने क्या कर दिया, जादू टोना, मेरा कैमल चल ही नहीं रहा। महेश कहता रुक, तूने रस्सी खोल दी। उसने कहा रस्सी है कहाँ, कहता रुक जा। अब वो कैमल के पास जाता है, ऐसे ही खाली हाथ घुमाता है, कैमल को बोलता चल, कैमल चलना। समझ में आ रहा है, छठे कैमल के ऊपर रस्सी बंधी हुई थी जो यहां पर थी। तो शादी भी एक तरीके की रस्सी है, जो कि पंडित जी, मौलवी साहब और फादर इंस्टॉल करते हैं पूरे तामझाम के बीच में। इट्स जस्ट द बिलीफ सिस्टम। तीन लेवल पे होती है शादी, ध्यान रखना। कितने लेवल पे होती है? तीन लेवल। पहला लेवल है आपका लड़का लड़की का शादी। दूसरा लेवल होता है सोसाइटी के लेवल पे। अभी मेरे एक फ्रेंड ने शादी करी, कोर्ट मैरिज करी, तो मैंने बोला यार तुम लोग अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तुम लोग साथ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? उसने बोला नहीं हम अभी साथ नहीं रह रहे। मैंने कहा क्यों? कहता है क्योंकि अभी रिसेप्शन नहीं हुआ है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी रिसेप्शन से क्या लेना देना है, तुम्हारी तो शादी हो गई। उसने कहा नहीं यार लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। मैं यार तेरी कोर्ट मैरिज हुई है यार, समझ में आ रहा है?
उसने बोला जब तक रिसेप्शन नहीं होगी तब तक हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, तो सोसाइटी का एक सेकंड लेवल का प्रेशर शुरू हो गया है। मैंने उससे बोला क्या जब तक लंगर नहीं खिलाएगा तू, पनीर नहीं खिलाएगा, गोलगप्पे नहीं खिलाएगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा? और लोग भी कैसे हैं यार, आपने उन्हें पनीर खिलाया, रिसेप्शन किया, अब वो बोला कर लो। ये क्या, ये मतलब नहीं समझे, जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे उनको, आप कुछ ठूसोगे नहीं मुंह के अंदर, तब तक वो मानेंगे नहीं? ये क्या तरीका होता है यार? तो मैं कह रहा हूँ सोसाइटी के लेवल पे, क्योंकि आप सोसाइटी को ना बड़ा प्रेफरेंस देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सोसाइटी इज नॉट योर फ्रेंड। सो सोसाइटी से अप्रूवल की जरूरत क्या है आपको? यू आर अ इंडिविजुअल पर्सन। अगर आप अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल पब्लिक के हाथ में देंगे तो आपको सफर करना पड़ेगा। सो सोचो ना, सेकंड लेवल पे मैरिज कब है, कहां पर? सोसाइटी के लेवल पे। थर्ड लेवल पे होता है लीगल लेवल पे, कोर्ट के लेवल पे। आप हां बोलना आपके हाथ में है, आपने बोल दिया हरिंदर जी हां, अब आप ना नहीं कर सकते। मान लो दो लोग आ गए, शादीशुदा हो गई है, कुछ कपल्स का बड़ा अच्छा चलता है अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारे कपल्स हैं जिनका 2-3-4-6 महीने बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है। अब मजबूरी आ गई है, अब आप बोलो नहीं मैं नहीं, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जो तीर चला था वो आपके अंदर फंस गया। अब आप बोलो मेरे को पेन हो रहा है, आप निकाल लो, आप नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको लड़की के घर वाले, अब आपको लड़के के घर वाले से पेन, तीर आपके अंदर घुसा हुआ, आपको उनसे अप्रूवल चाहिए। ये क्या सिस्टम है यार? अभी तो आप बोल रहे हैं कंपेनियनशिप के लिए शादी करनी है, लव के लिए शादी करनी है, एक साथी होना चाहिए, इनकम्प्लीट फील होता है इंसान को, इसलिए शादी करना है। तो ये क्या सिस्टम है यार? मोहल्ले वाले कहाँ से आ गए? तो दैट इज नॉट अ गुड तरीका। फिर लीगल सिस्टम, दुनिया भर के पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हैं, जज खड़ा है, कोर्ट खड़ा है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको बाहर आने के लिए। इज दिस अ राइट वे? क्या बात कर रहे हैं यार? दो लोग हैं, उनकी नहीं बन रही है, वो नहीं रहना चाहते हैं मान लो, तो अब आप हाँ तो आपके हाथ में है ना, आपको 2000 जगह से लेनी पड़ेगी वापस, ना बोलने का राइट नहीं है। तो ये रूल मुझे तो समझ में नहीं आता है। सो कहने मतलब यह है, समझ में आ रहा है? शादी तीन लेवल पे हो गई। फर्स्ट लेवल पे मुझे लगता है दो लोग हैं, अरे रहो ना यार, क्या दिक्कत है? प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना बढ़िया है। सो जो शादी में जो आप खर्चा करते हैं ना मैडम, ये सोसाइटी के चक्कर में करते हैं, आपको जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, डिसीजन आपको लेना है। क्यों करोगे सोसाइटी के लिए खर्चा? वन टाइम एक्सपेंडिचर। एक घर में एक लड़की पैदा हुई, बाप अब 25-15 साल तैयारी कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, क्यों? मोहल्ले वालों को लंगर खिलाना है। ये कोई तरीका है यार? क्या बात कर रहे हो? पूरी लाइफ चली गई बाप की उस ड्रामे के लिए। बात समझ आ रही है? मेरी फैमिली में मेरी मौसी है, गरीब है, मतलब रिलेटिव है। मैंने उनसे बोला यार लड़के की शादी पे इतना खर्चा मत करो, उसने लोग क्या कहेंगे? तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में उसने अपनी जमीन बेची, अपना असेट बेचा। मैंने बोला यार लड़के की शादी पे खर्चा मत करो मोहल्ले के लिए, उसने नहीं करना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे? तो दोस्त है दुश्मन है, वो सुख दुख में आके सपोर्ट करेंगे करेंगे नहीं पता, पर आपकी जेब से खर्चा करवाने का पूरा जुगाड़ बना रखा है। मैंने बोला मौसी से, मैंने कहा यार तू एक बात बता, तुझे बैंड वाला ज्यादा प्यारा है क्या? उसने नहीं, मैं लड़का प्यारा है बैंड वाला चूज कर ले, ये घोड़े वाला ज्यादा प्यारा है या लड़का प्यारा है? ये जो लंगर खाने आ रहे हैं लोग, वो ज्यादा प्यारे हैं, लड़का ज्यादा प्यारा है? लड़का अगर ज्यादा प्यारा है तो इतने तमाशे की जरूरत नहीं है, कोर्ट में मैरिज कर लो, मंदिर में मैरिज कर लो अगर करने चाहते हो तो। एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम की सेविंग एक दिन में धुआं बन के उड़ जाती है। उसके बाद पता नहीं अंडरस्टैंडिंग बनेगी या नहीं बनेगी, कानून आ जाएगी, सोसाइटी आ जाएगा। आपको दो लोगों को शादी करनी कर लो भाई, पर एक्सपेंडिचर की जरूरत जितना मिनिमाइज कर लोगे उतना फायदे में रहोगे। आपको पैसा पड़ा है, अरे FD में डाल दो ना बच्चों की, पोता पोती के लिए एजुकेशन की FD करा दो ना, हनीमून पे जाओ ना, 2-3 साल उड़ाते रहोगे। वो जो 15-20 लाख रुपए लगाओगे ना हनीमून पे, पूरी जो चलता रहेगा आपका पैसा, खर्च नहीं होगा। किसी बिजनेस पे लगा दो ना, किसी सीखने पे लगा दो ना, वाई टू स्पेंड ऑन लंगर, मैं लंगर बोल रहा हूं। सो कहने मतलब यह है, आपको शादी करनी कर लो, सोसाइटी के अप्रूवल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड कि लोग क्या कहेंगे। अरे आपको कंपेनियन चाहिए ले लो ना, एक फ्रेंड चाहिए, एक साथी चाहिए ले लो, प्यार होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर कम से कम कीजिए, और उस एक्सपेंस को जो मनी है वो प्योर एक्सपेंस है, उसको सेविंग में डाल के रख लीजिए।
सो शादी क्या समझ में आ गया? शादी इज अ बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल्ड एट द लेवल ऑफ पर्सनल लेवल, सोसाइटी लेवल और लीगल लेवल. और बिलीफ इंस्टॉल कराना है और रहना है साथ में, रह लो. एक्सपेंडिचर कम से कम होना चाहिए, ये इस वीडियो का क्रक्स ऑफ द स्टोरी है. लोग क्या कहेंगे कि टेंशन मत लो, मैंने पिछली वीडियो में भी काफी कुछ बोला है इसके बारे में. सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए.